नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज फिर से हाजिर हूँ मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और वो है कि आप अपने बच्चों की सफलता के लिए क्या करें। तो सर्वप्रथम जो बात आती है वो ये है कि आप अपने बच्चों को नियम पूर्वक सूर्य को अर्घ देना जरूर सिखाएं, क्योंकि सूर्य को अर्घ देने से बच्चों में सूर्य की तरह ही बल, तेज, पराक्रम, यश एवं उत्साह की वृद्धि होती है। तो आइए देख लेते हैं एक बहुत से छोटे से वीडियो में कि हम सूर्य को अर्घ कैसे देंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम जो चीज़ आप लेंगे वो है तांबे का लोटा, क्योंकि तांबे के को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। तो आप लें तांबे का लोटा और उसमें डालें गंगा जल, और गंगा जल को डालने के बाद आप इसमें डालें शुद्ध जल जिससे आप पूजा पाठ करते हों। इसके बाद आप कोई भी लाल रंग का चंदन या रोली या कुमकुम आप इसमें डालें। इसके बाद आप डालें इसमें अक्षत यानी कि चावल के दाने। अक्षत जो है वो हमारे पूजा को पूर्ण करता है यानी अक्षुण रखता है, इसीलिए अक्षत का उपयोग आप ज़रूर करें। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि सूर्य के तेज को शांत करने के लिए उनको मीठा हवा से दें। तो आप डालें इस जल में थोड़ा सा गुड़ या थोड़े से मिश्री के दाने, और साथ में डाल सकते हैं आप एक लाल रंग का पुष्प। आप कोई सा भी लाल रंग का पुष्प डाल सकते हैं। और अब आप तैयार है आपका ये लोटा, आप बच्चों को ये दें और कहें कि आप सूर्य को अर्घ दें किसी पटरे या आसन पे खड़े होके, और साथ में आप चाहें तो गायत्री मंत्र का पाठ करवा सकते हैं अपने बच्चों से, यानी कि गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए सूर्य को अर्घ दें, या फिर छोटा सा एक ओम सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नमस्कार।